कारण है कि रस्म होता है घोटाने का, घोटाने का आमंत्रण प्राप्त नहीं हो रहा है तो दम घुट गया, आमंत्रण नहीं मिला घोटाने वाला तो उनको दम घुट रहा है, दम घुटने के बाद आपा खो करके संसदीय आचरण कर रहे हैं। जो लोग कुल खोज रहे हैं, जो कुल कलंकित लोग कुल की बात करते हैं, जिनके लिए नोटोरियस भरा बयान, जिनके अतीत इतने। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कल शादी हो गई है और आज उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, अपने परिवार में जो उनके मामा हैं साधु यादव के द्वारा उन पर आरोप लगाया जा रहा है। हम बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उनसे कि आखिरकार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में जिस तरीके से लगातार आरोप लगाया जा रहा है। अल्पसंख्यक से शादी रचाना कोई गुनाह है क्या? इंसानियत का न कोई गोत्र होता है न कोई धर्म होता है। शादी लड़का लड़की में होता है, लड़का लड़की दोनों मिल गए, शादी हो गई। सवाल है कि सादगी भरा समारोह हुआ, जिन लोगों को पीड़ा हो रहा है और जो असंसदीय शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, आपा खो बैठे हैं, तो इसका एक ही कारण है। वो कारण है कि रस्म होता है घोटाने का, घोटाने का आमंत्रण प्राप्त नहीं हो रहा है तो दम घुट गया, आमंत्रण नहीं मिला घोटाने वाला तो उनको दम घुट रहा है, दम घुटने के बाद आपा खो करके संसदीय आचरण कर रहे हैं। और ऐसा आचरण जिसको सुन करके लोग शर्म भी सर्व से नीचे सर झुका रहा है। इनको अपने अतीतों का पता नहीं है। जिन लोगों को हम उस कुल से आते हैं जिनको महा मानते हैं, मौर मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं जामवंत जी को परास्त कर करके जामवंती जी से शादी करके एक आदर्श कायम किया था, प्रेम के वशीभूत होकर के रुक्मिणी जी को मंडप से उठा करके भगवान कृष्ण ने, वहाँ जब उनके लिए मंडप तैयार था, मंदिर से उठा कर करके लाए और शादी उन्होंने रचाई। उतना ही नहीं, अपने पुत्र बधू के लिए, अनिरुद्ध जी के लिए उषा की शादी, बानासुर को हराया और हरा कर करके कैद में जो थे बानासुर के अनिरुद्ध, वहाँ से छुड़वा करके पुत्र बधू को लौटवाया। ये मिसालें कायम किए हैं हमारे जो हमारे सिरमौर हैं, उनको पता नहीं और किन किन चीज़ों को उनको अतीत का दर्शन कराऊं। जरासंध की दो बेटियां थी, एक की शादी कंस से थी, एक की शादी शिशुपाल से थी। समझना चाहिए जिन लोगों को। इसलिए इंसानियत का न कोई गोत्र होता है, प्रेम का भी कोई गोत्र नहीं होता है, इंसानियत इंसानियत ही है। जो लोग गोत्र खोज रहे हैं, जो लोग कुल खोज रहे हैं, जो कुल कलंकित लोग कुल की बात करते हैं, जिनके लिए नोटोरियस भरा बयान, जिनके अतीत इतने। कह रहे पोल खोलेंगे, क्या चीज के पोल खोलेंगे? पोल में कुछ रहेगा तब ना पोल खोलेंगे। क्या पोल खोलेंगे? जिनके पोल खुद ही खोले हुए दूसरे को क्या खोलेंगे जी? सवाल उठता है कैसे चीजों पर इस तरह का बयान कहीं से उचित। मर्यादा में हुई है, सादगी में हुई है, एक उन्होंने स्थापित किया है मूल्य को, समाजवाद के वो मूल्य कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जिन लोगों को परेशानी हो रहा है परेशानी होने दीजिए, बिहार ही नहीं देश के लोग इन बातों को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जो इनके मामा साधु यादव ने कहा है उसी का जवाब हम इनसे लेने पहुंचे थे। और आपने सुना कि किस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि हम लोग किस वंशज से आते हैं, कई तरह की बातें इन्होंने कही है। अब देखने वाली बात होती है कि आखिरकार क्या कुछ होता है। और भी अपडेट्स देंगे हम इस प्रोडक्शन के साथ। नमस्कार।